बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही के लिए दोनों ओर से सड़कों को सीमेंट के बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है। सिर्फ एक आदमी के लिए जगह छोड़ी गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन उन्हें रोकने के इंतजाम कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो उनसे बातचीत करना चाहती है, लेकिन बातचीत की मेज पर समाधान निकाला जाए बल्कि सड़कों पर समाधान निकाला नहीं जा सकता, इसलिए सड़कों पर आंदोलन न किया जाए, ये सरकार का कहना है। हालांकि किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार पर दबाव डाले बिना कोई समाधान नहीं निकल सकता है, इसलिए दिल्ली जाकर ही अब सरकार से बात होगी। और यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाकों के अंदर आपको बाड़बंदी और किलेबंदी देखने को मिल रही है, जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगाई गई है, और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, खासतौर पर उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो अपने दफ्तर अपने कामकाज के सिलसिले के अंदर सुबह के वक्त इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर एनसीआर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग एनसीआर के यानी अलग अलग राज्यों के शहरों से यहां पर कामकाज के सिलसिले में आते हैं। और देखिए, इन तस्वीरों के साथ ही आपको यह भी बता दें कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम आपको चार बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से इन चार बॉर्डर के इलाकों के ऊपर तस्वीर इस समय नजर आ रही है। तो सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहां आरएएफ की तैनाती की गई है। कल सिंघू बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो इस तरीके की बाड़बंदी लगाई गई थी और आज उसे मजबूत किया गया है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर की अगर बात करें तो दिल्ली और नोएडा के बीच के इस चिल्ला बॉर्डर के ऊपर भी पुलिस का इंतजाम पूरा किया गया है। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर और शंभू बॉर्डर जहां कल टकराव हुआ था। जी न्यूज़।